नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में सगे भाई ने बहन की गला दबाकर की हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार, गांव में फैली सनसनी। लगातार हो रहे सुअरों की मौत ने निगम प्रशासन की बढ़ाई मुसीबतें, नगर आयुक्त ने कहा संक्रमण रोकने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। महामारी का रूप ले चुके कोरोना को लेकर मायागंज अस्पताल में हुआ वर्कशॉप का आयोजन, डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की कही बात। कहलगांव बाजार स्थित थर्मोकोल गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के सामान जलकर हुआ राख। और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने छुट्टी घोषित करने की मांग, मुख्य द्वार को किया बंद, छात्रों ने किया हंगामा। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में मानसिक रूप से परेशान युवक ने अपनी सगी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के समीप की है। मृतका की पहचान जगदीशपुर निवासी रतनलाल झा की 24 वर्षीय पुत्री नीतू कुमारी के रूप में हुई है। वहीं आरोपी भाई का नाम सूरज कुमार झा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी युवक को बात बात पर गुस्सा आता था। बुधवार की सुबह आरोपी सूरज ने अपनी बहन से कुछ सामान लाने को कहा, लेकिन मृतका द्वारा मना करने पर आरोपी भाई ने घर में ही बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया, साथ ही काफ़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ गई। वहीं जगदीशपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने कहा कि मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही घटना के हरेक पहलुओं की जांच की जा रही है। भागलपुर में लगातार हो रही सुअरों की मौत ने निगम प्रशासन और पशुपालन विभाग की मुसीबत बढ़ा दी है। अब तक शहर के विभिन्न इलाकों में 300 से ज़्यादा सुअर मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिनको नगर निगम की टीम ने जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया है। वहीं अचानक हो रही सुअर की मौत से लोगों में महामारी फैलने का भय पैदा हो गया है। इधर बुधवार को नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी जैसे ही भागलपुर पहुंची, वैसे ही स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी मोहम्मद रेहान से सुअरों की मौत का फीडबैक लिया। नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने कहा कि निगम क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही नगर आयुक्त ने आम लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। वहीं बुधवार को वार्ड नंबर 26 के पार्षद प्रतिनिधि संजय कुमार तांती और वार्ड संख्या 27 के पार्षद उमर चांद ने अधिकारियों को आवेदन देकर इलाके में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। स्वरों की अज्ञात बीमारी से हो रही मौत पर नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने कहा कि मृत स्वरों की पहचान कर उसे दफनाया जा रहा है। अभी एज पर रिपोर्ट बहुत सारे पिग्स का डेथ रिपोर्ट हमको आया है और पशुपालन विभाग भी इसमें जाँच कर रहा है, तो उसका रीज़न अब तक फाइंड आउट नहीं हुआ। विसेरा जांच के लिए वेस्ट बंगाल कोलकाता भेजा है और जब वो रिपोर्ट आएगा आई थिंक दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन, उसको एक्सप्लेन करेगा। नगर निगम स्तर से तो जनरल साफ सफाई करना है, वो हम लोग एकदम 100% हम लोग कर रहा है और जो मरा हुआ है पिग्स उसका बॉडी डिस्पोजल के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच देश में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आम लोगों को बिना वजह भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं बिहार सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित करते हुए राज्य के सभी कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों से अल्टरनेट सेवा लेने का निर्देश दिया है। इधर भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देश पर नगर निगम की आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने बुधवार को निगम कर्मियों की सेवा अल्टरनेट करने का आदेश जारी कर दिया। नगर आयुक्त द्वारा आदेश जारी करते ही सभी कर्मियों को इसकी सूचना दी गई और यह भी बताया गया कि किस कार्य दिवस पर किस कर्मी की सेवा ली जाएगी। वहीं नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं कर्मियों को इससे सुरक्षित रखने के लिए नई व्यवस्था बुधवार से लागू की गई है। एज पर बिहार गवर्नमेंट सर्कुलर हम लोग प्रिकॉशंस ले रहा है इसमें कोरोना वायरस रिलेटेड, जैसे मोर देन 10% का एक साथ हम लोग को नहीं मिलना है, नहीं बड़े मीटिंग्स वगैरह नहीं करना है बिकॉज अभी पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, डीएम सर का आदेश के अनुसार हम लोग दो शिफ्ट में कर्मचारीज का अब बांट रहा है वर्क एलोकेशन, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग दो शिफ्ट में काम करेंगे। नंबर थ्री, जो जितना भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हम लोग
एज पर हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार जितना भी डूज एंड डोंट्स हैं उसका फ्लैक्स वगैरह लगाएंगे और जनरल अवेयरनेस के लिए हम लोग लाउड स्पीकर्स भी इसमें इस्तेमाल करेंगे सो दैट जनरल पब्लिक को एक अवेयरनेस आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में बुधवार को वर्कशॉप का आयोजन किया गया। नोबेल कोरोना वायरस से बचाव और उपाय पर आयोजित कार्यक्रम में कई चिकित्सकों ने अपने विचार रखे और कहा कि कोरोना से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वर्कशॉप में मेडिसिन विभाग के सीनियर और जूनियर डॉक्टर समेत कई विभाग के चिकित्सक शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अनेक प्रकार की जानकारी दी। वर्कशॉप में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रामचरित्र मंडल और कोरोना वायरस के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने डॉक्टरों को बताया कि निजी लैब कोरोना जांच के लिए अधिकृत नहीं है। डॉक्टरों ने वर्कशॉप में बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इसकी जांच कराई जाए। वर्कशॉप में डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर राजीव सिन्हा समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। तो कोरोना वायरस की जानकारी सबसे जरूरी डॉक्टर के लिए है। डॉक्टर पहले जानेंगे, उसको समझेंगे, फिर अपने बचेंगे, फिर पब्लिक को बचाएंगे। इसलिए इस पर वर्कशॉप होना जरूरी है। अनेकों स्तर से इसमें गाइडलाइन निर्गत हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइन दिया है, एम्स का गाइडलाइन है, बिहार सरकार का गाइडलाइंस है। उसकी जानकारी हम डॉक्टरों को दे रहे हैं और इससे पेशेंट के इलाज में सुविधा होगी। कौन पेशेंट कोरोना का वायरस से इन्फेक्टेड है या सस्पेक्ट है या बिल्कुल नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने में सुविधा होगी। बुधवार की दोपहर कहलगांव पुरानी बाजार स्थित गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि गोदाम में रखा थर्मोकोल एवं पत्तल प्लेट पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने कहलगांव SDM सुजय कुमार सिंह को दी, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में लगभग 3 लाख मूल्य का सामान जलकर नष्ट हो गया। बताया जा रहा है कि गोदाम सोहन लाल टिवड़ेवाल का है, जिसने उमाकांत सिंह नामक व्यक्ति को व्यवसाय करने के लिए किराए पर दे रखा है। हालांकि आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाई है। आग पर काबू पाने में स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग का काफी सहयोग किया। नोबेल कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मी सामूहिक अवकाश पर जाने की मूड में हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय के कर्मियों ने शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ समन्वयक समिति के महासचिव रंजीत कुमार को आवेदन देकर कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय कार्यालय को बंद कराने की मांग की है। बुधवार को प्रशासनिक भवन के विभागों में कर्मी सामूहिक रूप से काम करते दिखे। वहीं संघ के महासचिव रंजीत कुमार ने कहा कि कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय को आवेदन देकर विश्वविद्यालय में कर्मियों के लिए छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है। महासचिव ने बिहार के कई विश्वविद्यालय में पारित आदेश का हवाला देते हुए TMBU प्रशासन से कार्यालय को बंद रखने की बात कही। कोरोना वायरस क्या मतलब जो पहचानते हैं कि ये छात्र है, ये कर्मचारी है, जो कि ये शिक्षक है, जो शिक्षक और कर्मचारी को कोरोना वायरस का जो है प्रकोप नहीं पड़ेगा, ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी लिख करके हमको दिए हैं कि जो है ना 31 मार्च तक जो है ना विश्वविद्यालय बंद कराया जाए, जिसका लिखित सूचना आज हम विश्वविद्यालय प्रशासन को दे दिया। मांग क्या है आपकी? मांग यह है कि 31 मार्च तक विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। वहीं पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय के कर्मचारी बिना मास्क लगाए ड्यूटी कर रहे हैं। बुधवार को रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर बाजार में फिलहाल मास्क उपलब्ध नहीं है, मास्क के लिए दूसरे जिला से संपर्क किया गया है। साथ ही रजिस्ट्रार ने बताया कि विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कुलपति के आने के बाद कर्मचारियों की मांग पर विचार किया जाएगा। देखिए, जो डायरेक्शन आया हुआ है राज्य सरकार से और राजभवन से जो आया हुआ है, विश्वविद्यालय को जो बल्क में आते हैं सारे क्लासेस सस्पेंड कर दिए गए हैं। सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम नहीं होगा, सामूहिक कोई कार्यक्रम नहीं होगा, एग्ज़ाम बंद कर दिए गए हैं। अभी गेट पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी बहुत लोग अनावश्यक आते हैं, तो अनावश्यक भीड़ भाड़ को कम करने के लिए गेट पे थोड़ी प्रतिबंध लगाया गया। हमने सैनिटाइजर रखा गया, सारे सेक्शनों में सैनिटाइजर रख दिया है, बॉटल रख दिए हैं, गेट पे रख दिया है। और एम्प्लॉयज़ को भी बताया गया है कि आप जो है सैनिटाइजर का यूज़ करें। मास्क दिया जा रहा है क्या? मास्क अभी आज हमने स्टोर सेक्शन कल से ही उस पर लगा हुआ था। हमारे भागलपुर शहर में अभी सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है,
तो मैंने बोला हुआ है कि अगल बगल या पटना से मंगाने के लिए। इधर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज और पीजी विभाग बंद रहने के बाद भी प्रशासनिक भवन में छात्र छात्राओं के आने का सिलसिला जारी है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने 31 मार्च तक सभी विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय को बंद रखने का आदेश पारित कर दिया है। लेकिन जो विश्वविद्यालय है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, उसके कर्मचारी अभी भी अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो कुछ छात्र हैं वो दूर दराज के इलाके से अपनी काम को लेकर के आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है गेट, मुख्य द्वार जो है विश्वविद्यालय का, उसे बंद कर दिया है। लेकिन विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों की भीड़ लगी है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है तो वो एक नोटिस भी लगाया है यहाँ पर। हम चाहेंगे कि वो नोटिस को दिखाया जाए कि कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में जो राजभवन का निर्देश आया है उसके आलोक में विश्वविद्यालय के कॉलेज को, पीजी विभागों को 31 मार्च तक बंद कर किया गया। उसी के साथ कुछ छात्र भी आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि सर बताइए क्या लेकर के आप आए हैं, किस काम से आप यहाँ आए बताइए। हम मार्कशीट सुधार करने के आए हुए हैं। क्या हुआ, क्या मिल रहा है? मेरा मार्कशीट पहले पेंडिंग था, उसके बाद कलेक्शन नहीं हुआ है। हम 5 बार आ चुके हैं लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। आज बुलाया गया। बंदी है ये मालूम है आपको? हमको मालूम था कि भाई बंदी तो है, कॉलेज बंद है, लेकिन काम बंद नहीं है। काम हो रही है, बस वही काम को लेकर के आए हुए हैं हम। विश्वविद्यालय बंद है लेकिन कर्मचारी काम कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो जो समस्या लेकर के आए हैं, छात्र अपनी समस्या लेकर के आए, उसका भी निदान किया जाए। कुछ दूसरे भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। आप बताइए क्या मांग है आपकी? सर मेरा मांग कुछ नहीं है सर, मार्कशीट में करेक्शन करवाना था, विषय कोड में गड़बड़ी था जिसको कि करेक्शन करवाना था। तो 4 तारीख को हमने आवेदन दिए, आवेदन देने के दरमियान बोले कि आप जो है होली के बाद आइए, आपको मिल जाए। होली के बाद आए हैं, विश्वविद्यालय के अंदर विद्यालय में काम हो रहा है, विश्वविद्यालय के ऑफिस में कर्मचारी बैठ करके काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह हो रहा है कि छात्रों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, छात्रों की समस्या दूर नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी है, विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उसे मुख्य द्वार पर ही रोक दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर विश्वविद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक जब काम कर रहे हैं तो छात्रों का प्रवेश अंदर क्यों वर्जित किया गया है? अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क के लिए भागा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में पूर्व की रंजिश को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए युवती द्वारा शोर मचाए जाने पर जब घर के सदस्यों ने दबंगों का विरोध किया तो दबंगों ने युवती की माँ और पिता की जमकर पिटाई कर दी। घटना में पीड़ित युवती की माँ गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने कहा कि घटना की लिखित सूचना देने के बाद भी लोदीपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और थाने से भगा दिया।
वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले आलम, शहादत, मोहम्मद सोएब, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद रवि से जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। रविवार की रात उनकी बेटी घर में खाना बना रही थी, उसी दौरान पांचों आरोपी घर में घुसकर जबरन खींचकर ले जाने लगा। तभी चीख पुकार सुनकर वह बाहर निकली, जिसके बाद पांचों आरोपियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि आज भी थानों में गरीबों की फरियाद नहीं सुनी जाती है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। बहरहाल बुधवार को एसएसपी को आवेदन देने के बाद लोदीपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 15 तारीख को 9-10 बजे के बीच में हम खाना बना रहे थे और मेरी अम्मी चली गई थी दुकान। मेरे पापा जुमा के दिन आग बना के आए थे, वो घर में लेटे हुए थे और मेरी बहन घर में काम कर रही थी। उन लोग आंगन आया, मेरे को मतलब खींचने लगा, खींच के मेरे को लेके जाने लगा, तो हम चिल्लाए जो हम भी, फिर मेरे पापा निकले, मेरे पापा जो निकले वो लोग मारना शुरू कर दिया। फिर मेरी अम्मी उधर से आई तो मेरी अम्मी को मारना शुरू कर दिया। तीन चार मरतबा मेरे साथ मतलब गलत निगाह था, ये तीसरी मरतबा तो एकदम हैते कर दी सर। आलम जो आए तो पहले मेरी बेटी को खींचने लगा, उसके बाद इनका पापा सोए थे घर में, आवाज़ जो सुन करके मेरी बेटी के उठाई, इन पर लाठी डंडा चलने लगा। उनके बाद तो हम उतने में डूब गए तो मेरी बेटी को कुछ दूर में ले आ कर करके खींचने लगा, तो हम ऊपर से आए छोड़ाने के लिए, तो मेरे को भी लाठी डंडे से डंगाना स्टार्ट आलम कर दिया। पुलिस जो गए थे सर, तो पहले तो अभी तक लेने के लिए नहीं तैयार थे, ठीक है। उसके बाद जो है ना कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ और अभी तक जो है ना परेशानी हम आलम के इसमें है सर। देखिए, ये पूरे शहर में ये प्रॉब्लम है कि जब भी कोई भी इंसान जाता है, वो गरीब इंसान खास करके जाता है, तो हर एक थाने में उसके केस को अवॉइड किया जाता है और इसके साथ गाली गलौज और एक धमका धमकी ये जो कंप्लेनेंट है उनके साथ करते हैं, और उनके साथ जो लोग उसके पड़ोसी जाते हैं मानवता के आधार पर, उनको भी वो लोग हरकान देते हैं कि आप लोग नेतागिरी ना करें। और इस तरह से हर एक जगह में इस लोगों का केस को नहीं लेना, इन लोगों की एक मानसिकता है। नाथनगर थाना क्षेत्र के इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय के पूर्वी गेट के समीप बुधवार को झाड़ी से एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। आसपास के लोगों की जब नज़र उस पर पड़ी तो स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित झाड़ी से निकालकर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने घायल व्यक्ति को नाथनगर रेफर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। आशंका जताया जा रहा है कि व्यक्ति को किसी ने मारपीट कर वहां फेंक दिया या फिर ट्रेन में यात्रा के दौरान नशाखुरानी गिरोह ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिलहाल व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी बताने में असक्षम है। बता दें कि व्यक्ति के शरीर एवं सर पर चोट की कई निशान हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस ने हर इंसान को सहमा कर रख दिया है। इससे बचाव के लिए सरकार एवं सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर बुधवार को ए माल्टा के परमंडलीय सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष रूप से बीमारी से बचने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल भारत में 32 लैबोरेटरी कोरोना वायरस की जाँच के लिए ऑथराइज की गई है। प्रशांत कुमार ने कहा कि सरकार अगर सुविधा प्रदान करेगी तो ए माल्टा एसोसिएशन जन जागरूकता अभियान चलाकर सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम लोग सरकार द्वारा गाइडलाइन मिलने पर कार्य को विशेष रूप से करने का प्रयत्न करेंगे। केंद्र सरकार गरीबों को आवास मुहैया कराने की लाख कोशिश कर ले, पर सरकारी मुलाजिम ही सरकारी योजनाओं पर कुंडली मार कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को घर देने के नाम पर जमकर धांधली हो रही है। धोरैया प्रखंड से आवास पर्यवेक्षक द्वारा कमीशन मांगने का मामला सामने आया है, जहां प्रथम किस्ती की राशि से कार्य पूरा करने के बाद द्वितीय किस्ती की राशि नहीं मिलने पर धासिया गांव के लाभुक शांति देवी का पुत्र मुकेश कुमार ने आवास पर्यवेक्षक से मुलाकात कर राशि भेजने की बात कही, जिसके बाद पर्यवेक्षक अजीत चौधरी ने मुकेश कुमार से 12,000 रुपये कमीशन देने की मांग की। इसी बात से आहत मुकेश कुमार ने आवास पर्यवेक्षक की लिखित शिकायत प्रखंड प्रमुख रूबी देवी से की, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख ने वीडियो को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं वीडियो अभिनव भारती ने बताया कि मामले की जांच बीपीआरओ से कराई जाएगी। वीडियो ने कहा कि आवास योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में सगे भाई ने बहन की गला दबाकर की हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार, गांव में फैली सनसनी। लगातार हो रहे सुअरों की मौत ने निगम प्रशासन की बढ़ाई मुसीबतें, नगर आयुक्त ने कहा संक्रमण रोकने के लिए चलाया जा रहा है अभियान।
महामारी का रूप ले चुके कोरोना को लेकर मायागंज अस्पताल में हुआ वर्कशॉप का आयोजन, डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की कही बात। कहलगांव बाजार स्थित थर्मोकोल गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के सामान जलकर हुआ राख। और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने छुट्टी घोषित करने की मांग, मुख्य द्वार को किया बंद, छात्रों ने किया हंगामा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।